अरे मैं तो भूल ही गई, आपके लिए एक पैगाम है मेरे पास। कहो, सुन रहा हूँ। वो सदरी साहब ने कुछ कहा था। कैसा पैगाम? कुछ मौसम के हवाले से कह रहे थे कि कुछ नया होने वाला है। मुझे भी खबर है कि तूफान आने वाला है। लेकिन मैं अग्री नहीं करती सर उमर। देखे ना कितना अच्छा तो है गर्मी का मौसम, मतलब शाम में कितनी अच्छी हवाएं चलती हैं, है ना? बातें मत करो सर। सर मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है, मैं बस कुछ ही मिनट तो लेट हुई हूँ। बात को समझिए, मैंने आज से पहले तो ऐसा नहीं किया है ना सर। डेफनी, मेरे शूज कहाँ हैं? क्या मतलब है आपका? जो मैंने जिशान उस्ताद के पास से मंगवाए थे, कहाँ है वो बताओ। मैं क्यों कुछ करूँगी सर, मैंने खुद वहाँ से लाकर आपके हाथ में दिए थे और आपने वहाँ कबर्ड में रखे थे, आपको याद है? वही देखे थे मैंने आखिरी बार। हाँ अरे देखिए ना, यहाँ रखा है बॉक्स। ये कहाँ गए? हाँ कहाँ गए, अली ले गया क्या? मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया था कि ये जूते मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जी सर। तुम पर भरोसा किया और अपने उस्ताद के पास भेजा। ऐसा लगता है तुमने चेक नहीं किया था वहाँ पर। हाँ हाँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना सर, मतलब जैसे आपने कहा था मैं वैसे ही लेकर आई, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि आपने मुझे मना किया था देखने को। ये मुमकिन नहीं, मैंने फोन किया था उन्हें। अच्छा तो डेफनी अकाउंट्स में जाओ, वो तुम्हें पेमेंट कर देंगे। तो आप मुझे फायर कर रहे हैं? ठीक समझी, अब जाओ। मगर मैं जैसा मुझे बॉक्स मिला मैंने वैसे ही लाकर आपको दे दिया। चलो ठीक है, एक मौका देता हूं तुम्हें, बोलो। नहीं, नहीं। Thank you.
sorma. Nöbetler değil başım duman. तुम क्यों आए हो? ताकि मैं अपनी बात क्लियर करूं और यहां से सुकून से जाऊं। अब क्या बात करने आई हो? मुझे नौकरी की परवाह नहीं है। मैं नौकरी के लिए आपसे भीख नहीं मांगूंगी। लेकिन मैं चोर नहीं हूं। वो जूते मैंने नहीं लिए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये ऐसे नहीं खत्म होना चाहिए। कहना क्या चाहती हो तुम? ये चीज इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। ये नौकरी जिसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था। चाहे हम दोबारा मिले ना मिले, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचे। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। उन जूतों की जिम्मेदारी तुम पर थी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ हूँ क्या कि मैं जूते चुरा के यहाँ से भाग जाऊंगी? थोड़ी अनाड़ी हूँ, गलतियाँ करती रहती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकती मैं। इतनी बड़ी पागल दिखती हूँ क्या मैं? और चुराना होता तो मैं कहती कि कहीं गाड़ी से ही गायब हो गए जूते। ये ऐसा कुछ? हाँ, बहुत क्रिएटिव आइडिया है। समझे ना आप, ऐसे कामों में मेरा दिमाग नहीं चलता। कहिए कि आपको मुझ पर यकीन है, कहिए कि तुमने बेवकूफी की कि तुमने जूते खोए, लेकिन तुम चोर नहीं हो। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानती हो ना तुम? वो जूते सच में बहुत कीमती थे। बेड़ा गर्क, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं नहीं रोऊंगी यहाँ आकर। मैं नहीं रोऊंगी, अल्लाह हिम्मत दे। रो नहीं। प्लीज डेफिनेटली रो मत। बहुत जिद्दी हो तुम। आप है जिद्दी, प्राइडेड प्रीजेस के हीरो जैसे। क्या समझते हैं आप? गलतियां करते हैं लेकिन अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। फिल्म का लीजिए, मर्द अपने तकब्बुर और अना की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। सच शायद तुमने ठीक कहा। ठीक है, तुम जॉब कंटिन्यू करो। मैं नौकरी के लिए यहाँ नहीं आई। खुदा हाफिज। Ne kadar az yolamışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Aapne mujhe chor kaha. Küçüğüm daha çok küçüğüm. Sen bütün korkularım, gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok küçüğüm, bu yüzden sonsuz endişem. Bevakuf kahin ki. Savunmam bu yüzden
Bu yüzden bir küçük izi bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman renk. उसमें चाय भी ऐड करें। हमारी लिस्ट में मैडम चाय नहीं लिखी। हाँ तो ठीक है, आपकी लिस्ट अधूरी है। ऐसा करें कि उसमें चाय भी ऐड करें। चलिए जल्दी करें। मैडम हमें जो लिस्ट दी है उसमें ऐड नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फिर ये ठीक रहेगा कि उमर सर खुद ही आए और चाय ऐड कर दें इसमें। यार आप क्या रायता भी नहीं बनाएंगे अब इसके साथ? चलिए बनाइए ना जल्दी। वो भी नहीं है लिस्ट में। बिना चाय और रायते की दावत यार। उमर सर को आने दो, फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। ये लिस्ट अधूरी है, इसे कंप्लीट करना होगा। हाय काश कि मुझे कल ही याद आ जाता, मैं कोई छोले भटूरे टाइप वगैरह चीज बना लेती ना, कितना अच्छा होता। क्या हो रहा है यहाँ पर? उमर सर आपकी लिस्ट इनकम्प्लीट है सर। मैंने इन्हें चाय बनाने को कहा है लेकिन ये चेंज करने को तैयार ही नहीं है। चले आप चाय नहीं पीते लेकिन कॉफी भी नहीं रखी इन्होंने। फिक्र मत करो, शुक्रू लेकर आ जाएगा। वो मैंने आपका बाथरूम भी चेक कर लिया है, नए तौलिए नहीं है, कुछ चप्पल वगैरह भी मंगानी पड़ेगी बाहर से। आज जूते ढूंढ लें, चप्पल किसी और दिन। क्या आप सबका काम हो गया? जी सर हमारा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। ठीक है। क्या मतलब है आपकी बारी है? मैं गेस्ट के लिए सूप बनाऊंगा, मैंने एक बार बनाया था, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की है। अल्लाह के वास्ते सूप कुछ ढंग का बनाइएगा उमर सर। तो क्या बनाए फिर? फ्रेंच अनियन सूप। ये थोड़ा सस्ता सा नहीं हो गया है कुछ? मैं चेंज करकर अभी आता हूँ। हाँ उमर सर। हाँ आप ये फ्रेंच सूप का आइडिया छोड़ देना भी, मेरे पास एक और आइडिया है। जबरदस्त कीमा बनाते हैं, बहुत जबरदस्त बनेगा। हाँ ऊपर से घी डाल के उसके ऊपर काली मिर्च। काली मिर्च? हाँ काली मिर्च थोड़ी सी ऊपर से छिड़के कैसा मजा आएगा। किसी और दिन बना लेना, आज हम फ्रेंच अनियन सूप ही बनाएंगे। ठीक है। अजीब है यार प्याज का सूप, हद है। सिनान होगा। आ रही हूँ। आ गई आ गई आ गई। आराम से आराम से आराम से। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हाय। वेलकम। कैसे हो उमर? आइए सर, वेलकम। उमर कैसे हो? तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। ओह सिनान तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? आप कैसी हैं? हम दोनों आपस में बात कर रहे थे के उमर बिना किसी गर्लफ्रेंड के आखिर इतनी अच्छी सैंडल कैसे डिजाइन कर लेता है, लेकिन किसी खूबसूरत लड़की के बगैर ये डिजाइन बनाना मुमकिन ही नहीं है, और आज वो लड़की हमारे सामने है। उमर क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुमने हमारे लिए हाँ। कोई खुशखबरी रखी है उमर? उमर 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 डेफनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं उमर सर की डेफनी, मेरी मंगेतर। मैं इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। डेफनी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। ग्रेट, फंटास्टिक उमर, वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरती, ये सादगी, इससे पहले कभी नहीं देखी वल्लाह। थैंक यू। Ho ho ho!
अरे तुम्हें क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे गले में कोई चीज फंस गई थी। आइए आप लोग अंदर चलिए। वैसे उमर ये सब कब हुआ? जी बस एक महीने पहले, है ना स्वीट हार्ट? बताओ ना, अभी हमारी मंगनी हुई है। हाँ ना, सही कहा। सुना आपने? अरे आइए अंदर तो आइए। अरे जाओ ना, मैं भी चलता हूँ, चलो चलें। आइए बैठिए, आओ भाई। वो हेलो, क्या क्या एक्सक्यूज मी, क्या क्या? किसी फ्रेंड की कॉल आई होगी। जी क्या खबर है सिंड्रेला? नरमी मैडम, मैं सर उमर और सर सिनान के साथ इटालियन गैस की मेहमान नवाजी में मसरूफ हूँ। और गैस करें कि क्या हुआ? क्या हुआ जल्दी बताओ। उमर सर ने मुझे अपनी मंगेतर बताया उन्हें। क्या? वो ऐसा बोलना पड़ गया उन्हें, लेकिन अजीब बात है ना। मैं वहाँ आ रही हूँ, हमें इस आग में और घी डालना होगा, समझ गई तुम? कैसी आग? मैं समझी नहीं। फिर फोन काट दिया इन्होंने। बिल्कुल सही कहा। रुको रुको रुको, खाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी साइन बुक देती हूँ। हाँ राइटर भी है। वो भी बहुत अच्छी राइटर। तो सुनिए, मोहब्बत के तीन मराहिल हैं। पहला दूर से होने वाला, इसमें देखने वाला मुतासिर हो जाता है। कोई दूर से अच्छी लगने वाली चीज को पाने की चाहत होती है। ये मेरी पहली किताब में है। लगता है ये आपकी दूसरी किताब है, लव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, लव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये है इसका सेकंड स्टेज। इसमें पहले आपके ख्यालात मिलने चाहिए और फिर आपकी आंखें, फिर आपके होंठ, उसके बाद और फिर नीचे जाते रहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, ऊपर से नीचे तक। मुझे पूरा यकीन है आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी। ये किताब 18 मुल्कों में रिलीज हुई है और इस किताब ने बहुत से रिश्ते बचाए हैं। तो हम दोनों को भी बचा लें। ये एक ट्रायोलॉजी है। पहली है लव फ्रॉम अ डिस्टेंस और दूसरी है लव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और तीसरी है एक हाथ दो और एक हाथ लो इसके ना। या अल्लाह हमें बचा ले। हाँ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये नाम, कितना अच्छा है ना। लेकिन ये इटली में भी छपनी है, वो इसका मतलब नहीं समझेंगे। लेकिन मुझे पता है कि तुर्की में ये नाम इस्तेमाल हो सकता है। उमर तुम भूले नहीं भाई, तुमने तो हमारी स्पेशल डिश बनवा दी। जी आपके लिए बनाई है। वैसे हमने पूरी दुनिया में ऐसा सूप कहीं नहीं पिया। अब ऐसी भी बात नहीं, प्यास का ही तो सूप है। तो आप लोग स्टार्ट करें ना। हाँ, प्लीज। हाँ, जी जी। अच्छा तो अब मुझे बताओ तुम लोग कहाँ मिले? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में या ऑफिस में? असल में ये इतनी बार मिले हैं कि इन्हें याद ही नहीं है। हाँ यही वजह है। क्या बात है। उमर की एक मिनट, उमर डेफनी उमर की सेक्रेटरी नहीं, उमर की मंगेतर है जैसे आप लोग जानते हैं। ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, आप जानती हैं, हमेशा एक साथ होते हैं। हाँ मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद है। हाउ रोमांटिक, ये तो बिल्कुल फिल्मों की तरह है। हाँ। तो बताओ पहले किसे मोहब्बत हुई? अच्छा पहले इजहार किसने किया? अरे बताओ ना क्या हो गया। अपने नेक्स्ट बुक में ही ये कहानी लिखूंगी। मेरे ख्याल से स्वीट हार्ट तुम पहले बताओ। आ, आ,
नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। आप ही बताएं ना, आपको ज्यादा अच्छे से याद है। उमर, बताने का हक हमेशा खवातीन का होता है। क्या बता, वो क्या बताना और क्या छुपाना चाहती हैं, लेकिन आदमी ये नहीं जानते, सब बता देते हैं। कितना ख्याल है सबका। चलो बता दो। लेकिन मैं क्या बताऊँ, इनको गलत कह दूंगी ना। बताए ना, क्या बताऊँ इनका। हा? अब बता भी दो स्वीट हार्ट, नखरे मत करो, बहुत नखरे करती है। चलो बता भी दो। ठीक है, बता ही देती हूँ फिर। जरूर। मुझे खुद नहीं पता कि उमर सर को मुझसे पहली बार मोहब्बत कब हुई थी, क्योंकि हर वक्त ना ये मेरे पीछे पड़े रहते थे, बस मेरे आगे पीछे, हर वक्त यहाँ वहाँ, ऑफिस में भी आगे पीछे ही घूमते रहते थे। घर जाती थी तो उमर मेरी बातों से बहुत खुश होता था, जहाँ तक याद है मुझे। उमर खुश रहता था? हाँ ना, याद नहीं है कि आप आपके सामने कितनी बार रोए मुझे याद कर करके, ये तो बस मेरे पीछे ही पड़े रहते थे। तब जाकर मानी उमर। अब तो याद आ गया होगा ना आपको। हा? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा डेफनी। मैं तो तुम लोगों पर पूरी किताब लिखना चाहती हूँ, और डेफनी तुम्हें मुझे सारी डिटेल्स देनी होंगी और मुझे सब जानना है। जी जी, सब बता दूंगी। हाँ हाँ, जरूर सब बताऊंगा।